वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हमने खेला है टीडीएम मैच और हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ शॉटगन के साथ खेलेंगे। एक मैंने स्नाइपर रखा है क्योंकि अगर लॉन्ग रेंज में अगर कोई बंदा आ गया तो हम लोग को शॉटगन से उसको नहीं मार सकते हैं, तो मैंने एक स्नाइपर ले लिया है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को मैं शॉटगन से मारने की कोशिश करूँगा। अभी मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ने के बाद जब मैं 4 नंबर के पास जाता हूँ वहाँ पर 2 बंदे आते हैं जिसे मैं एक को मार देता हूँ। अब यहाँ पे इसको मारने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने के बाद वहाँ से एक बंदा और आ रहा होता है जिसको मैं इजीली मार देता हूँ शॉटगन के साथ, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि शॉटगन के साथ मैं बहुत ही दिनों के बाद खेल रहा होता हूँ। जब पबजी था उसी समय मैंने शॉटगन से 1-2 मैच खेला था, उसके बाद मैंने BGMI में बिल्कुल भी नहीं खेला है और मैंने 2 बंदे को मार, और इसके पहले ना 3-4 मैच मैंने खेला था और 3-4 मैच मैं हार गया था यार। मतलब कि मैं जीत ही नहीं पा रहा था, M4 से मैं AKM से दोनों से खेल रहा था और मैं हारे ही जा रहा था। बट यहाँ पे मैंने शॉटगन निकाला है और इस बार ही मैं 2 बंदे को मार चुका हूँ। और अभी फ़िलहाल यहाँ से एक बंदा आने की कोशिश करता है जो कि मेरे को नहीं मार पाता, लेकिन अपने ही बंदे ने मेरे को ग्रेनेड डालकर मार दिया, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा उस समय गुस्सा आया था क्योंकि मैं 3-4 मैच ऐसे ही पहले से ही हार गया था, उसके बाद इसने भी मेरे को मार दिया तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। अब मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ और मैं मर जाता हूँ। अब यहाँ पे 2 बंदा भागते हुए जाते रहता है लेकिन एक बंदा इधर से घूम कर आ जाता है, उसको मैं बहुत ही ज़्यादा ईजिली तरीके से मार देता हूँ। सामने की तरफ एक बंदा और आ जाता है और मैं यहाँ पर मार जाता हूँ। तो जब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर एक बंदा होता है जो कि मेरे को देख ही नहीं रहा होता है और उसको मैं बहुत ही ज़्यादा ईजिली तरीके से मार देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे आके छिप के रिलोड करता हूँ और रिलोड करने के बाद जब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से 2 बंदे आ रहे होते हैं जिसमें से एक बंदे को तो मैं मार दिया, दूसरे बंदे को भी मार पाता बट पीछे से एक बंदे ने आकर मेरे को मार दिया। अब यहाँ पे बहुत सारे बंदे आ जाते हैं, एक बंदा तो मेरे को स्टार्टिंग में भागते हुए दिख जाता है बट इसको मैं नहीं मार पाता, बट आगे जाकर मैं दोनों को मार देता हूँ और ये बंदा मेरे को बस मार ही रहा होता है बट मैं जैसे तैसे बच जाता हूँ। तो पिछली बार मैंने 12 किल कर दिया था और इस बार हम लोग वापस से खेलने वाले हैं शॉटगन के साथ। वापस से मैंने एक स्नाइपर ले लिया है। अभी यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद एक बंदा यहाँ पे दिख जाता है मेरे को और अब मैं इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज तो दे दिया था बट ये फिर भी जैसे तैसे बच कर निकल गया। फिर मैं इधर आया और इसको मैंने मारने की कोशिश की, एक बार में ये मर नहीं पाया और मैं मारा गया, जो कि मेरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। अब यहाँ से मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद 4 नंबर मैंने देखा कि वहाँ पे फाइट ले रहा है और वो मारा गया 4 नंबर। फिर मैं यहाँ से आगे गया और आगे जाने के बाद मुझे यहाँ पे 2 बंदे दिखे। अब ये बंदा यहाँ पे सो जाता है जो कि इसका सबसे बड़ा गलती था और इसको मैंने बहुत ही गंदी तरीके से मारा है। अब मैं यहाँ से जब पीछे की तरफ जाता हूँ यहाँ पे मुझे एक बंदा दिखता है जो कि मैं इसको नहीं मार पाता, लेकिन उसको 4 नंबर ने डाउन कर दिया। और जब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ एक बंदा मेरे को उजी से मारने की कोशिश करता है बट मैंने इसको जो स्लाइड करके भरा है वो नेक्स्ट लेवल था। मतलब कि ये घोंचू मेरे को सो कर मारने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पे आते हैं 2 बंदे जो कि मैं एक को तो डाउन कर देता हूँ और इस बंदे को पता नहीं कौन सा नशा है, मतलब कि इसको हर बार सोकर ही मारना है। अब इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लड़ाइयाँ होती रहती है बट यहाँ पे मैं जाता हूँ एक बंदे को डाउन करता हूँ। अब दूसरा बंदा मुझे यहाँ पे दिख जाता है लगे हाथ, ये तो इस बंदे को पता नहीं कौन सा नशा है भाई, हर बार सो जाता है। अब ये मैं तीनों को डाउन किया और तीनों को डाउन करने के बाद मैंने यहाँ पे जाकर छिप गया और रिलोड किया अपना गन को। यहाँ पे एक बंदा और आने की कोशिश कर रहा था बट मैं इस तरफ को जाता हूँ और ये देखो भाई, मतलब कि इस बंदे को गेम नहीं खेलनी है, इसको नींद आ रही है गेम में, इसको सोना है यार, क्या करता है यार ये। और ये मेरे को पिछली बार मारकर बहुत ही ज़्यादा चौड़ में यहाँ पे खड़ा था बट इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से मारा था। जब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ ये बंदा अलग ही नशे में जी रहा था और इसको मैंने पीछे से जाकर बहुत ही गंदा वाला धप्पा किया था। फिर मैं जब यहाँ से रिलोड कर आगे बढ़ता हूँ एक बंदा यहाँ से भी आ रहा होता है और यहाँ पर तो गदर बंदे आ जाते हैं, तो मैंने उसको भी मार दिया था। और ये बंदा को जब मैं मारने जाता हूँ पीछे से एक बंदे ने मेरे को मार दिया यार।
तो इस बंदे को मारने के बाद जब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ तो मेरे को किसी ने बहुत ही गंदा मारा था यार। और इतने किल करने के बाद भी ये गेम मैं हारने वाला था और मेरे को गुस्सा बहुत ही ज़्यादा आ रहा था और खुशी भी हो रही थी। खुशी इसलिए हो रही थी कि मैंने इस गेम में शॉटगन से 16 किल कंप्लीट किए थे, और दुख इसलिए हो रही थी क्योंकि ये गेम मैं हार गया था। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद नहीं आया तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यार।